सबसे पहले ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल की जो फाइल है वो आप अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड कर लें, और इसकी जो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है। डाउनलोड करने के बाद जो ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल आपके लैपटॉप में सब सेव है उसे या तो एक्सट्रैक्ट कर लें, अगर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आता तो आप उसे डायरेक्ट डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकेंगे कि आपने जो लोकेशन दी होगी जहाँ इंस्टॉलेशन की, तो वहाँ कुछ फाइल्स जो है ना वो आ जाएंगी, उनको वहीं पर रहने दें। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ से आप सेलेक्ट करें, उसके बाद आपने मेरी वेबसाइट पे जाना है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपने ये कोड कॉन्फिग का आपने कॉपी करना है। फिर उसके बाद यहाँ पेस्ट करके सेव एज कर दें। सेव एज करने के बाद config.xml के नाम से फाइल को सेव कर दें डेस्कटॉप पे, ताकि आपको आसानी रह सके। स्टेप 4 में फिर से डेस्कटॉप पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से एक फाइल बनाएं। मैंने एक और कोड दिया हुआ है इको ऑफ के नाम से, वो मेरी वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप पेस्ट कर दें उसमें। उसके बाद उस फाइल का नाम रखें install.cmd, उसे सेव कर दें, डेस्कटॉप पे कर दें, ज़्यादा इजी रहेगा। इंस्टॉल की जो फाइल हमने बनाई स्टेप 4 पे, इसे राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। आप देख सकते हैं कि ऑफिस का जो सेटअप है वो स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि डाउनलोड ये स्टार्ट हो चुकी है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास डाउनलोड की स्पीड कितनी आ रही है। तो मैं सारे प्रोसेस को शॉर्ट कर दिया और आप देख सकते हैं ये डाउनलोड मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर।